मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर बीते दिन फतेहपुर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हलके को कई सौगात दी। फतेहपुर के रहन में सकरी पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 40 करोड़ की लागत से बनी जल शक्ति स्कीमों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने फतेहपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से 5 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी है और लोगों के हित में काम किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि पौंग झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, इससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसके लिए 70 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार फतेहपुर हलके को विकास के दृष्टि से भी विकसित करेगी। उनका आज शिलान्यास किया है और भारी बारिश के बावजूद भी जिस प्रकार का स्वागत हमारे यहाँ के लोकल विधायक मानी सिंह भटानी जी ने किया, मैं इसके लिए इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस आशा के साथ कि भवानी जी जो भी योजनाएं लेकर आए हैं और हमारी सरकार में बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई, उसमें पौंग डैम का जो एरिया है जिसको हमने पर्यटक की दृष्टि से बढ़ाना है, उस दृष्टिकोण से हमने उस एरिया को कुछ कम किया है और आने वाले समय में आप इस क्षेत्र में देखेंगे फतेहपुर क्षेत्र में। इसके लिए अभी मेरी जब इनसे बातचीत हुई तो हमने एक 70 करोड़ रुपये पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने के लिए यहाँ हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें यार्ड है, बोट बैलून है, इस तरह से लोगों को और युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इनसे मेरी विस्तृत चर्चा इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के संदर्भ में हुई है।